बिस्मिल्लाह रहमान रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गौहर पब्लिशर्स। दिस इज़ हमना बिनते शहजाद। आर मोटो इज़ रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सो डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम अपना गौहर इंग्लिश बुक 1 का यूनिट 2 माई सेल्फ को रीड करेंगे और साथ ही हम इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं दो तस्वीरें, इन तस्वीरों को देखते हुए मुझे बताइए कि ये जो कहानी माई सेल्फ हम पढ़ने जा रहे हैं, ये कहानी किस बारे में होंगी। जी ये जो तस्वीर में, पहली तस्वीर में तो हमें छोटी छोटी बच्चियाँ नज़र आ रही हैं, ये क्या कर रही हैं? ये एक गेम खेल रही हैं। और कौन सी गेम है ये हमारे पास? ये गेम है हमारे पास हमारी हाइड एंड सीक, जिसको हम छुपन छुपाई का नाम देते हैं। यानी कि इस गेम में जितने भी लोग होते हैं, नॉर्मली दो तो मिनिमम होते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक बंदा जो है थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करता है और बाकी लोग छुपते हैं, और छुपने के बाद वो जो बंदा जिसने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की होती हैं, वो आंखें खोलकर उन बच्चों को, उन बच्चियों को ढूंढता है। और अगर दूसरी तस्वीर देखें तो दूसरी तस्वीर देखकर आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? इसको देखकर लग रहा है कि एक बच्ची अपनी अम्मी की या घर में किसी भी बड़े की मदद कर रही है। जी तो आइए चलते हैं अब हम रीडिंग की तरफ। रीडिंग से पहले मेरा आपका क्वेश्चन ये है कि आप कितने साल के हैं? यकीनन आप 6 से 7 साल के दरमियान होंगे। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आप सब लोग मुझे अपने स्कूल का नाम बताएं और साथ साथ ये भी बताएं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। ये तो बहुत ही ऑब्वियस बात है कि हम क्योंकि ग्रेड 1 की बुक पढ़ रहे हैं, तो आप सब लोग ग्रेड 1 में पढ़ते हैं। तो आइए अब चलते हैं रीडिंग की तरफ। जी माई नेम इज़ सालेहा, आई एम अ गर्ल, आई एम 6 ईयर्स ओल्ड, आई एम इन क्लास 1, आई लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक विद राबिया, शी इज़ माई कज़न, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आइए अब देखते हैं इसकी उर्दू ट्रांसलेशन। मेरा नाम सालेहा है, मैं एक लड़की हूँ, मैं 6 साल की हूँ, मैं जमात अव्वल में हूँ, मुझे राबिया के साथ छुपन छुपाई खेलना पसंद है, वो मेरी कज़न है, वो मेरी बेहतरीन दोस्त है। द मैंगो इज़ माई फेवरेट फ्रूट, आई लाइक टू ईट अ लॉट ऑफ मैंगोस, कलरिंग अ स्केच इज़ माई हॉबी, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स, आई रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, आई लव माई पेरेंट्स एंड सिस्टर, माई फेवरेट कलर इज़ पिंक। आइए देखते हैं इसका उर्दू तर्जमा। आम मेरा पसंदीदा फल है, मुझे बहुत सारे आम खाना पसंद है, खाकों में रंग भरना मेरा मशगला है, मुझे कार्टून देखना पसंद है, मैं अपने बड़ों की इज्जत करती हूँ, मैं अपने वालदैन और बहन से प्यार करती हूँ, मेरा पसंदीदा रंग गुलाबी है। माई फादर इज़ अ टीचर इन अ स्कूल, ही इज़ वेरी ड्यूटिफुल एंड ऑनेस्ट, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी कुक्स वेरी टेस्टी फूड, आई हेल्प हर, माई पेरेंट्स आर लविंग एंड केयरिंग। मेरे वालिद एक स्कूल में उस्ताद हैं, वो बहुत फ़र्ज शनास और ईमानदार हैं, मेरी अम्मी एक घरेलू खातून हैं, वो बहुत मज़ेदार खाना पकाती हैं, मैं उनकी मदद करती हूँ, मेरे वालदैन बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले हैं। जी स्टूडेंट्स, इस कहानी को मुझे पढ़ते हुए बताएं, सालेहा की बेहतरीन दोस्त कौन थी? सालेहा की बेहतरीन दोस्त उसकी कज़न राबिया थी। आपका पसंदीदा खेल कौन सा है ये आप बताएंगे। किसी का पसंदीदा खेल क्रिकेट हो सकता है, किसी का फुटबॉल, किसी बच्ची को गुड़ियों के साथ खेलना पसंद हो सकता है, किसी को बैडमिंटन खेलना पसंद हो सकता है, किसी को पकड़ पकड़ाई खेलना पसंद हो सकता है, और किसी को छुपन छुपाई खेलना पसंद हो सकता है। शेयर टू थिंग्स डैट यू डू टू हेल्प योर मदर,
आप अपनी अम्मी की मदद करने के लिए क्या दो काम करते हैं ज़रूर बताइएगा। क्या आप अपने कमरे को साफ रखते हैं, क्या आप अपने घर को साफ रखते हैं, क्या आप किचन के कामों में उनकी मदद करवाते हैं, या आप खुद सुबह उठकर अपना बेड ठीक करते हैं, क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं। ज़रूर बताइएगा कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से आप अपनी अम्मी की मदद करते हैं। तो आइए अब चलते हैं ग्लॉसरी की तरफ। ग्लॉसरी से हमारी मुराद है हमारे इस चैप्टर में जो अल्फाज मायने आए हैं उनको हम देखेंगे। हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक यानी कि छुपन छुपाई, ये बच्चों का एक खेल होता है जिसमें एक बच्चा या एक बच्ची अपनी आंखें बंद करता है और उतनी देर में बाकी लोग अपने आप को कहीं छुपाते हैं किसी जगह पर। जो बच्चा जिसने कुछ देर के लिए आंखें बंद की होती हैं वो फिर उन लोगों को आंखें खोलकर ढूंढता है। स्केच। स्केच कोई भी रफ ड्राइंग, रफ खाका होगा। हॉबी। हॉबी से मुराद है मशगला, यानी कि वो काम जो हम अपने फारिक टाइम में अपनी खुशी से करते हैं। आइए अब चलते हैं अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 की पेज नंबर 9 पे। एक्सरसाइज में हम पहला पार्ट जो देखेंगे वो है हमारे पास ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है डायग्राफ। डायग्राफ मीन व्हेन टू कॉन्सोनेंट लेटर्स मेक वन साउंड, यानी कि जब दो कॉन्सोनेंट लेटर एक आवाज़ बनाएंगे तो जो एक सिंगल आवाज़ बनेगी वो कहलाएगी डायग्राफ। जैसे कि एस एच बनाएगा, सी एच च बनाएगा, टी एच थ बनाएगा और पी एच हमारे पास बनाएगा। आपको तस्वीर जैसे कि स्क्रीन पर नज़र आ रही है, शीप, अंडरलाइन वर्ड को गौर से देखिएगा, शीप, एस एच आपका अंडरलाइन हुआ है, चेरीज, थम, फोन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन ए पे। से एंड कनेक्ट ईच पिक्चर टू द इनिशियल डायग्राफ इन इट्स नेम। ये जो तीन तस्वीरें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, अब आपने डायग्राफ उसके नीचे तीन लिखे हुए हैं, आपने इब्तदाई आवाज़ वाले डायग्राफ को बेसिकली इस तस्वीर से मैच करना है। थम यहाँ पे थ, शीप श, और शू श, यहाँ पे भी एस एच को आप मैच करेंगे। आइए अब चलते हैं अगले सफ़े पर। यहाँ पे आप देखिए अगली पिक्चर्स जो आपको नज़र आ रही हैं हमारी पेज नंबर 10 पे, फ़ोन यहाँ पे पी एच, चेरी च यानी कि सी एच जी। जैसे कि आपको स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ रही है शिप की, तो श, चेयर च यानी कि सी एच। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका शार श, और ये लास्ट आपका चेक, तो यहाँ पे सी एच जी। पेज नंबर 10 पे अब हमारी एक्सरसाइज बी, रीड एंड प्रैक्टिस द रोल प्ले कॉन्वर्सेशन अ विजिटिंग टू अ शॉपिंग मॉल। ये कहानी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हुए आपकी दो लड़कियों के दरमियान है, अरवा और राफिया। आपने जब ये अपनी क्लास में कंडक्ट करवानी है एक्टिविटी, तो आपने अपनी क्लास में से दो बच्चों को लेने हैं और वो एक अरवा का रोल प्ले करेंगे और एक जो आपका स्टूडेंट होगा वो रोल प्ले करेंगे राफिया का। अरवा, मे आई हेल्प यू? राफिया, येस, आई एम लुकिंग फॉर अ स्वेटर। अरवा, वट कलर डू यू वॉन्ट? राफिया, आई नीड द रेड वन। अरवा, हाउ अबाउट दिस वन? राफिया, येस, दैट इज नाइस, कैन आई ट्राई इट ऑन? अरवा, सर्टनली, देयर इज द चेंजिंग रूम। राफिया, थैंक यू, आई विल हैव इट प्लीज। अरवा, व्हाट्स इट्स प्राइस? राफिया, इट इज ओनली रुपीज 1000। अरवा, प्लीज टेक द मनी। राफिया, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अरवा, थैंक यू, गुड बाय। जी डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने अपनी गौहर इंग्लिश बुक 1 का यूनिट नंबर 1 माय सेल्फ पढ़ा और साथ हमने उसकी जो रीडिंग थी उसको हमने उर्दू ट्रांसलेट में सीखा और साथ हमने अपनी ओरल कम्युनिकेशन में एक रोल प्ले सीखा और हमने देखा कि डायग्राफ क्या होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।